हेलो टीम, कैसे हैं आप? क्या आप भी एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और वो भी ओप्पो का स्मार्टफोन? क्या आप सच में उसे स्मार्टली यूज करते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ऐसी कुछ बेसिक ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है स्क्रीन ऑन जेस्चर्स। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के सारा प्रोसेस आपको बताया गया, लेकिन स्क्रीन ऑन जेस्चर्स आज आपको स्मार्टली यूज करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यदि आपने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन ऑन जेस्चर्स के बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट आज होने वाला है। सबसे पहले आपको बेनिफिट होगा वन टाइम एक्टिवेशन। जितने भी स्क्रीन ऑन जेस्चर्स हैं, सिर्फ आपको एक बार एक्टिवेट करने हैं, आपको बार बार एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मोर ऑफ शॉर्टकट, यानी कि आपके मैक्सिमम ऑपरेशन के शॉर्टकट क्रिएट हो जाएंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, आपको बार बार उसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम शॉर्टकट्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। थर्ड वन इज कन्वीनियंट। आप अपने मोबाइल को फास्टली यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन को यूज करने के लिए आपको बार बार उस ऑपरेशन को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में अपने मोबाइल पे ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइएगा जानते हैं कि स्क्रीन ऑन जेस्चर्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। स्क्रीन ऑन जेस्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर से आपका मोबाइल कन्वीनियंट हो जाता है यूज करने के लिए, इसीलिए आपको कन्वीनियंस एंड टूल का ऑप्शन सर्च करना है। यहाँ पर कन्वीनियंट एंड टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, नेविगेशन बटन, असिस्टिव बॉल एंड स्मार्ट साइड बार। उसके बाद ऑप्शन है जेस्चर एंड मोशन। जी हाँ, आज मैं जेस्चर्स एंड मोशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको जेस्चर्स एंड मोशन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सजेशन पर टैप करके भी आप अपने मोबाइल में वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट की। सबसे पहला पॉइंट है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट। आप अपने मोबाइल पर कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई फोटो देख रहे हैं, यदि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसका नाम है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, लेकिन उससे पहले आपको ये फंक्शन ऑन करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के दो तरीके बताने वाला हूँ, एक बेसिक तरीका और एक एडवांस। आज सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक प्रोसेस क्या है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, सारे बेसिक फंक्शंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आपको ये फंक्शन ऑन करना होगा, उसके बाद आप थ्री फिंगर कहीं भी स्क्रीन पे रखे आप स्लाइड डाउन कीजिएगा, आपका स्क्रीनशॉट तैयार हो जाता है। ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट तैयार है। लेकिन यदि आप स्क्रीनशॉट को कुछ देर तक कोई भी उसके ऊपर टैप नहीं करते या कोई प्रोसेस नहीं करते तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यदि आप स्क्रीनशॉट कलर ओएस 7 से रिलेटेड जो अपडेटेड स्क्रीनशॉट है उसका प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी स्क्रीनशॉट को आप शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी भी पेज का आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मैं एक लॉन्ग पेज यहां पर कैप्चर कर लेता हूं। ये मेरे पास एक काफी लॉन्ग पेज है जो स्क्रीन से ज्यादा है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूं। उसको मैं शेयर कैसे कर सकता हूं और मैं उससे लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे ले सकता हूं, इसका प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको थ्री फिंगर स्लाइड डाउन करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद यदि आप इसे डाउन साइड ड्रैग करते हैं तो यहां शेयर का ऑप्शन आ रहा है। आप इसे जैसे रिलीज करेंगे तो आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जहां से आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू शेयर कर सकते हैं, चाहे आप शेयर इट से शेयर करें, गूगल लैंस से अपलोड कर सकते हैं, ड्राइव में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक की स्टोरी पर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टोरी पर लगा सकते हैं, आप मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका लेना चाह रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस दोबारा यूज करना होगा। आप थ्री फिंगर स्लाइड डाउन करेंगे और इसको जस्ट अप साइड आप ड्रैग करेंगे। देखिए, जैसे मैंने अप साइड ड्रैग किया यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है, जैसे ही इस सिंबल को आप रिलीज करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस तरीके से आएगा और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा लोडिंग। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी, स्क्रीनशॉट को आप अपसाइड ड्रैग कीजिएगा। उसके बाद स्क्रीन के जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी और उसे आप लास्ट पेज तक अनलिमिटेड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जितना भी स्क्रीनशॉट है यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट का जो साइज पूरा होगा, यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी द
एट द बॉटम ऑफ द पेज, आप पेज के सबसे लास्ट में आ चुके हैं। जैसे आप डन करेंगे यहाँ से ये स्क्रीनशॉट आपका जनरेट होकर सेव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट का बेसिक तरीका है। उसके बाद मैं अब आपको एडवांस स्क्रीनशॉट बताने जा रहा हूँ। एडवांस स्क्रीनशॉट क्या है? सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब आप अपने मोबाइल में ये जो फंक्शन है ये प्री एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये कलर ओएस 7 का, इसे कहीं से आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप चारों साइड से कर्व क्रॉप करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिएगा। लेकिन इसका प्रोसेस है, आपको 3 फिंगर स्क्रीन पर टैप करके थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। मैंने जैसे 3 फिंगर टैप किया और उसे लॉन्ग प्रेस किया, ये एक ऑप्शन आ गया है। यहाँ से मैं इस एरिया को जितना चाहूँ कवर कर सकता हूँ, या फिर मैं साइड से भी चाहूँ तो उसे क्रॉप कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जितना छोटा आप चाहें उसका स्क्रीनशॉट कवर कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने सिर्फ एक कॉल का स्क्रीनशॉट के लिए शेयर किया और जैसे ही ये लास्ट में कॉर्नर में राइट हैंड साइड कॉर्नर में आ रहा है सेव का ऑप्शन, जैसे ही मैंने इस पर सेव किया मेरा स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। ये है एडवांस लेवल का स्क्रीनशॉट। उसके बाद स्क्रीन ऑन जेस्चर्स के अंदर दूसरे और भी जेस्चर्स हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ ऑप्शन लिखा रहा है राइज टू वेक अप। कभी कभी आप अपना मोबाइल को टेबल पर, पॉकेट में या बेड पर रख देते हैं, लेकिन जैसे आप मोबाइल को ऑन अपने हाथ में पिक करते हैं तो उसकी यदि लाइट नहीं जलती है तो आपको पावर बटन प्रेस करना होता है। पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपके पावर बटन की जो कैपेसिटी है या फिर जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसको आप बढ़ाने के लिए इस फंक्शन को जैसे ऑन करेंगे और आपका मोबाइल यदि कहीं पर भी रखा हुआ है और उसे आप हैंड में रेज करते हैं तो जैसे ही आपका मोबाइल किसी भी सिचुएशन में है, या टेबल पे है, बेड पे है या पॉकेट में है, तो आप अपने मोबाइल को जैसे ही अपने हाथ में लेंगे उसकी लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। बहुत ही कन्वीनियंट एंड फास्ट फंक्शन आपको दिया गया है। उसके बाद एक फंक्शन और दिया गया है, ऑटो ईयर पिक कॉल्स। कॉल के दौरान जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है, इनकमिंग कॉल का यूआई आया है लेकिन आपका एक हाथ बिजी है, तो आप अपने मोबाइल को डायरेक्टली ईयर पर लगाकर अपनी कॉल को पिक कर सकते हैं। आपको कोई पिक करने की ऑप्शन पर ना तो टैप करना है ना ही उसे स्लाइड अप करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये फंक्शन यहाँ से ऑन करना होगा। इसे आप हेडफोन में यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आपने हेडफोन लगाया हुआ है तब आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, ओनली मोबाइल के थ्रू ही आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यदि आप कभी बाइक चला रहे हैं और एक हाथ आपका बिजी है तो आप इसे डायरेक्टली हेलमेट में लगाकर भी कॉल पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बाइक चलाते वक्त आप कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद एक फंक्शन है यहाँ पर, ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर। मान लीजिएगा कभी आप स्पीकर पर बात कर रहे हैं अपने मोबाइल से, आपका मोबाइल किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर आप स्पीकर पर बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप अपने मोबाइल को जैसे ही पिक करें या अपने कान से लगाएं तो आपका जो मोबाइल स्पीकर पे काम कर रहा है वो ऑटोमेटिक रिसीवर पे काम करने लगे, तो आपको ये फंक्शन आपको यहाँ से ऑन करना होगा। बाय डिफॉल्ट आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं और आपकी जो बातें हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स या कलीग्स या किसी भी अदर पर्सन से कॉन्फिडेंशियल है या आप उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो आपकी बातों को सुने, तो आपको ये फंक्शन ऑन करके आप इसे कन्वीनियंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अपने मोबाइल को उठाकर डायरेक्टली कान के नज़दीक लेके जाना है आपको और आपके मोबाइल की जो स्पीकर में वॉइस आ रही थी वो आपके रिसीवर में आएगी। उसके बाद लास्ट फंक्शन है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। मान लीजिएगा आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपका मोबाइल रिंगिंग करने लगा और वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां आपको म्यूट करना है। म्यूट करने के लिए आपके पास प्रोसेस होता है कि आप अपने मोबाइल को कोई भी बटन प्रेस कर म्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये फास्ट प्रोसेस है। इस फंक्शन को आप जैसे ऑन करेंगे उसके मोबाइल पर कभी भी कोई इनकमिंग कॉल आती है आपको मोबाइल को जस्ट फ्लिप करना है। जैसे ही आप मोबाइल को फ्लिप करेंगे आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा, चाहे वो वाइब्रेशन मोड पर हो चाहे वो आपका रिंगिंग मोड पर हो। बहुत ही कन्वीनियंट एंड फास्ट तरीके से इन फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सेटिंग आपको समझ आई होगी। इसी तरह की बहुत सारी सेटिंग्स मेरे चैनल पर दी गई है जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, प्लस आप सजेशन पे भी क्लिक करके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।